फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्राफ्ट क्रिएटिव। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर का 2024 में जो कि पूछा गया है। ये क्वेश्चन पेपर जो है आरएमएलयू यूनिवर्सिटी अयोध्या से पूछा गया है। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट जो है जिसका ये क्वेश्चन पेपर है वो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस द क्वेश्चन पेपर। टाइम जो है इसमें 3 आवर्स दे रखा हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो जो क्वेश्चन पेपर है वो 80 मार्क्स का है। नोट में लिखा हुआ है अटेम्प्ट ऑल द सेक्शन एज पर द इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रखे हुए उसी उसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेक्शन ए में आते हैं। ये है जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये बहुत ही जो है शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें क्या है, आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 50 मार्क्स एटलीस्ट 50 वर्ड्स का जो है इसमें क्वेश्चन में एटलीस्ट होने चाहिए जब आप क्वेश्चन को करेंगे। ईच पार्ट कैरी ईच जो आपका जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है। तो मीन्स कहने का मतलब है कि 10 क्वेश्चन है एक एक मार्क्स के, तो 10 क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स के हो गए, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है जो पार्ट ए का है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 में, ये जो रोमन काउंटिंग का 1 है उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला पूछा गया है स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्कोप क्या क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन। ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन क्या है उसके बारे में लिखना है। इंजरी ट्रेनिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द रोजेरियन टीचिंग मॉडल। रोजेरियन टीचिंग मॉडल क्या है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 जो है डिस्क्राइब द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है आपको पता है ना, 3 लेवल्स होते हैं, तो उसमें रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है इसके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है, क्या कंपोनेंट्स मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन होलीरिथ सेंसस टैबुलेटर, इसके बारे में हमें मेंशन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी। लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट जो है एक्सप्लेन रॉबर्ट मिलर्स मेथड। रॉबर्ट मिलर्स मेथड क्या है उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी से, जो सेक्शन बी है उसमें आपको जो है 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे 8 मार्क्स के, जो ईच क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा, जिससे कि ये सेक्शन में जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स का ये सेक्शन बी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेते क्या आया, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में हमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है उसके बारे में ये और में पूछा गया, मीन्स चॉइस है यहाँ पे। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शंस। टीचिंग एंड लर्निंग इंस्ट्रक्शंस में हमें डिफरेंस बताना है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस में हमें क्या बताना है, डिफरेंसेस बताने हैं। इसी का चॉइस क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। गोल एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम। ये ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसमें से जो कॉग्निटिव डोमेन है पहला डोमेन, उसके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। उसमें 3 डोमेन है ना ब्लूम टैक्सोनॉमी में, तो उसी में से जो कॉग्निटिव वाला है उसके बारे में हमें वहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट इसी का जो चॉइस क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग क्या होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईसीटी जर्नी। आईसीटी जर्नी के बारे में आप क्या समझते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। इसी का जो है चॉइस क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन स्टाइल्स ऑफ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग कितने स्टाइल्स की होती है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो है ये अक्सर हर एक क्वेश्चन पेपर में हर साल लगभग पूछा गया है।
चाहे सेक्शन ए में पूछ लिया जाए, चाहे बी में, चाहे सी में, ये पूछा ही जाता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी भी पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी थॉरली पढ़ के जाइए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बात मुझे किसी ने नहीं बताई थी, बट मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने जो है पिछले कई सालों के पेपर में यही चीज़ देखी है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछी ही जाती है। ठीक है, और लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो टीचिंग के जो लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोग ये चीज़ें करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करने में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जनरेटर्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ये तो ICT में मतलब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये हर एक कोर्स में पढ़ाया भी जाता है जब भी हम कंप्यूटर स्टडीज़ करते हैं, तो ये चीज़ें मतलब आप कर ही लेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टाइल्स ऑफ ई लर्निंग। ई लर्निंग के जो है हमें स्टाइल्स बताने हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन सी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इसमें जो है 7th जो क्वेश्चन है इसमें जो, हाँ ये देख लेते हैं ये कितने वर्ड्स में, ये 500 वर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए इस सेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। और इसमें सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस ही जो है वो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और ये 2 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का होगा, इसलिए जो ये सेक्शन है वो 30 मार्क्स का मैक्सिमम हो जाता है। इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी। आप देख रहे हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी एटलीस्ट सेक्शन ए में भी पूछा जाता है, बी में भी पूछा जाता है, और सी में भी पूछा गया इसी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आप फिर से जब आप देखेंगे वीडियो को पॉज कर करके तो आपको समझ में आ जाएगा ये ब्लूम टैक्सोनॉमी पूछा ही जाता है। सो एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, आपका बहुत अच्छे से ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा कहीं पर भी किसी सेक्शन में पूछे। ठीक है, तो डिस्कस ब्लूम टैक्सोनॉमी इन डिटेल, यहाँ पर डिटेल में पूछा हुआ है, वहाँ पे हम पार्ट पूछ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ गैने ट्राइज टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस एंड हिज अप्रोच रिलेटेड टू टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे गैने जो थे, ठीक है, तो उनके जो कोऑर्डिनेशन जो उन्होंने कैसे लेकर के आए कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल अप्रोचेस में, उसके बारे में यहाँ पे हमें थोड़ा मेंशन, थोड़ा नहीं काफ़ी कुछ मेंशन करना है क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये देखिए लिखी है हमारे हिंदी में, गैने किस प्रकार से संज्ञानात्मक एंड तथा व्यावहारिक दृष्टिकोण से समन्वय लाने की चेष्टा करता है, उसके शिक्षण संबंधित दृष्टिकोण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर का, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग किसे कहते हैं, हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है। ठीक है, इसके क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, और इसके जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में बताना है हमें, डिटेल में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब क्लोज सर्किट टेलीविजन। सो क्लोज सर्किट मतलब CCTV के बारे में बताना है, लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में बताना है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हमें क्योंकि इसमें से इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल जो है 4 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन सी में, उसमें से हमें 2 ही तो अटैम्प्ट करने हैं, तो कोई भी 2 अटैम्प्ट कर लीजिए, है ना। मैं तो कह रही हूँ आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी जरूर करके जाना चाहिए, और जो है इसलिए क्योंकि वो आता ही आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। एक प्याजे के कोग्निटिव डोमेन कर लीजिए, सॉरी प्याजे के जो हैं आपके वो भी कर लीजिए, वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए जो बाकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप ये चीज़ कर लीजिए। अच्छा, ये ICT में ये जरूर चीज़ें पूछी जाएंगी, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जरूर पूछा जाता है, जैसे क्लोज सर्किट CCTV क्या है। ठीक है, अच्छा ये जो प्रिपरेशन है, आप जैसे कोई कोई बच्चा जाता है प्रिपरेशन वो किससे करे, तो इसके लिए जो है अवध सीरीज़ आती है, हाँ, और जो है आपसे भी बहुत जल्दी विद इन, अगर आपके पास एटलीस्ट अगर 1 महीना या 15 दिन भी बचे हैं एग्जामिनेशन को, मतलब ये नहीं आया है और आने वाला है 15 दिन बाद, तो आप जो है उससे बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्पफुल करेगी। बाकी आपको इतना तो आजकल पता ही, CCTV किस तरह से काम करता है, ठीक है, और किस तरीके से आजकल ये हमारी ई लर्निंग में किस तरह से यूज़फुल होगा। ठीक, और लैंग्वेज लेबोरेटरी के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इजी गोइंग तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड ICT का पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, और भी क्वेश्चन जो पूछे गए थे, ठीक है,
बीएड फर्स्ट ईयर में, वो मैं वीडियोस लेकर के आना चाहती हूँ। और इसके लिए आप क्या करिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।